हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुनीर है। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है कौवा और लोमड़ी। एक बार एक कौवा पेड़ के डाल पर बैठा हुआ था। उसकी चोंच में रोटी का टुकड़ा दबा हुआ था। तभी वह एक लोमड़ी आई। लोमड़ी ने कौवे के चोंच से रोटी का टुकड़ा छीनने की एक चाल सोची। लोमड़ी ने कौवे को बुलाया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह अगर कौवा जवाब देता तो रोटी का टुकड़ा गिर जाता। लोमड़ी ने कहा, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, तुम्हें सभी पक्षियों को राजा बनाना चाहिए था। जरा तुम मुझको अपनी मिठास से जरा गाना सुना दो। कौवा अपनी चापलूसी से खुश हो गया। कौवे ने कहा, धन्यवाद, ऐसे कहते ही रोटी का टुकड़ा गिर गया। चालक लोमड़ी उसको उठाकर भाग गई। कौवा देखता रह गया। तो इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की बातों पर नहीं आना चाहिए। धन्यवाद।